दोस्तों आज आप देख रहे हैं होंडा SP 125 BS6 का 2022 न्यू मॉडल। कंपनी ने इसमें कुछ नए अपडेट किए हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसकी कीमत भी अब पहले से बढ़ चुकी है। इसकी माइलेज क्या है, नई ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो इसके वाइजर के ऊपर आपको होंडा का स्टीकर, और नए अपडेट की बात करें तो अब यहाँ पर आपको नए कलर के ग्राफिक्स की स्ट्रिप मिलती है डुअल टोन कलर के साथ, जो कि पहले आपको 3 टोन में मिलती थी। हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। स्प्लिट LED हेडलैम्प का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है जिसके ऊपर आपको LED की ब्रांडिंग मिलती है। लो बीम और हाई बीम यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी रोशनी मिल जाती है नाइट के लिए, और रात में भी इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है। रोड प्रेजेंस भी इस बाइक की काफ़ी अच्छी है। फ्रंट का जो फेंडर है वो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है, जिसके दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 240 mm डायमीटर की डिस्क मिलती है जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग के तौर पर काम करती है। 80/100/18 के यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील, टेलीस्कोपिक फ्रंट में सस्पेंशन दिए हैं। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें दिया है फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसके ऊपर आपको इको स्पीड इंडिकेटर की वार्निंग मिलती है, चेक इंजन की वार्निंग, गियर की न्यूट्रल लाइट और हेडलाइट की वार्निंग। नए फीचर्स की बात करें तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है साइड स्टैंड की वार्निंग के साथ साथ, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की वार्निंग, फ्यूल गेज मिल जाता है और स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिलता है। इसके साथ ही रियल टाइम एवरेज भी आप इसकी मीटर कंसोल में देख पाएंगे कि बाइक कितना माइलेज दे रही है रियल टाइम में, और यहाँ पर आपको रेंज भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्रिप को मीटर को एडजस्ट करने के लिए 2 बटन मिलती हैं, और यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग और साइड व्यू मिरर यहाँ पर आपको वही मिलते हैं जो आपको होंडा की सभी बाइकों में मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच और इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया गया है। दूसरी साइड में आपको इंजन किल के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया है। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो अब इस बाइक में आपको सिंगल टोन कलर मिलता है, और नए कलर के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। पहले इस बाइक में आपको सीट काउल की तरफ डुअल टोन कलर मिलता था। इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर आपको होंडा का 3D में लोगो और डुअल टोन कलर के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं न्यूली डिजाइन के साथ। इसके फ्यूल टैंक के सेंटर में आपको मैट फिनिश मिलती है, और नीचे पहले आपको ग्रे कलर मिलता था, अब आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि एक नया बदलाव है इस बाइक में। इसमें आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, और इसका जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव डिजाइन में दिया गया है। सीट कंफर्ट इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा मिलता है प्लेन और राइडर के लिए, जिसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर आपको SP125 का स्टिकर और डुअल टोन कलर के यहाँ पर आपको स्टिकर मिलते हैं। नीचे आपको ESP का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर, होंडा की ब्रांडिंग, इंजन ऑयल फिल्टर का कैप, और यहाँ पर आपको ब्रेक पैड 160 mm, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इंजन और पावर की बात करें तो 124 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 FI इंजन दिया है, जो 10.8 PS की पावर देता है 7500 RPM पर, और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। 118 kg इसका टोटल कर वेट है। इसके माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाता है। इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको मेटल की 2 प्लेट मिलती हैं ब्लैक कलर और क्रोम के साथ साथ, यहां पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक टाइप के रियर में सस्पेंशन दिए गए हैं जिसको आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट भी कर पाएंगे। 80/100/18 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील, 130 mm की पीछे की साइड में ड्रम ब्रेक दी गई हैं। इसके नए अपडेट की बात करें तो इसके सीट काउल के ऊपर आपको अब ग्लॉसी कलर मिलता है। पहले यहाँ पर आपको ग्रे कलर मिलता था डुअल टोन कलर में ये बाइक आती थी, और अब यहाँ पर आपको पीछे की साइड में भी नए कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं डुअल टोन कलर के साथ। इसके रियर सेक्शन में यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, और टेल लाइट यहाँ पर आपको हैलोजन की मिलती है। नीचे आपको होंडा का स्टिकर, रिफ्लेक्टर, और दोनों साइड में आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलता है। इसके पीछे वाले की जो टायर की ग्रिप है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम मिलती है, और दूसरी साइड में भी आपको सेम ग्राफिक्स और स्टिकर मिलते हैं। यहाँ पर आपको सीट को ओपन करने का लॉकर और कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। इस बाइक का जो चेनसेट कवर है वो यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी के साथ मिलता है। दोनों साइड में आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं। साइड बॉडी पैनल के ऊपर आपको डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स और SP125 का स्टिकर और होंडा की बैजिंग मिलती है 3D क्रोम के साथ साथ,
और यहाँ पर आपको थोड़ी सी कार्बन फिनिशिंग मिल जाती है। इसके इंजन के ऊपर आपको होंडा की बैजिंग और 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। गियर की ब्रांडिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लेटेस्ट और नए फीचर्स की बात करें तो अब 2022 में इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिलता है, जो कि एक नया बदलाव है इस बाइक में, जो कि गियर की पोजीशन में ही काम करता है। तो जैसा कि दोस्तों मैं इसके इंजन को स्टार्ट करके यहाँ से आपको इसके साइड स्टैंड कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि इंजन स्टार्ट है, अगर मैं इसमें गियर को डाल देता हूँ तो ये बाइक का जो इंजन है वो बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के और इसके इंजन के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसके साउंड को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो होंडा SP 125 डिस्क ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 83,790 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 99,231 रुपये और SP 125 ड्रम ब्रेक की ऑन रोड कीमत है 94,728 रुपये और होंडा CB साइन 125 के ड्रम ब्रेक की ऑन रोड कीमत है 88,057 रुपये और CB साइन के डिस्क ब्रेक की ऑन रोड कीमत है 93,000 रुपये। ये कीमत मैंने आपको बताई है। RK मोटर्स होंडा शोरूम राय मथुरा की, शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।